हेलो दोस्तों, की हाल चाल। स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल समुराय साइबर गेमिंग में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक बताने जा रहा हूँ M4 LMG गन की एक बेस्ट अटैचमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आप यह गन में कौन सी अटैचमेंट लगा के यह गन को एक एक्स्ट्रा एनर्जी दे सकते हैं और बहुत ही तबाही वाला गन को बना सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ M4 LMG गन। अगर यह गन को आपको अपग्रेड करने ना आया लेवल 10 तक, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए कि यह गन को आप अपग्रेड कर कहाँ से सकते हैं और यह गन को आप ले कहाँ से सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा M4 LMG गन है, जो आप लोग को तो पता ही होगा। अगर आप लोग गेम खेलते होंगे तो ज़रूर देखेंगे यह गन को। तो इसे का बेस्ट अटैचमेंट मैं बताता हूँ। तो बात करता हूँ सबसे पहले यहाँ पर लेंस की। तो अगर आप ऑप्टिकल में अगर कुछ लगाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर तीनों में से कोई भी एक चीज़ को आप सेलेक्ट करके लगा सकते हैं। यहाँ पर 3 देखने को मिला है, होलोग्राफिक है, रेड डॉट है, ट्रिटिकल है। तो यहाँ पर तीनों में से आप किसी एक को लगा सकते हैं। अगर बात करूँ मेरी, तो मैं लगाता हूँ रेड डॉट। रेड डॉट लगाने से क्या होता है कि एक अच्छी व्यू मिलती है, मतलब पूरा फ्रंट व्यू हम लोग को देखने को मिलता है रेड डॉट में, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। अगर 3x आप लगा देते हैं तो वो पूरे स्क्रीन पर आ जाता है, तो आपको सिर्फ सामने वाले देखेंगे, अगल बगल के नहीं देखेंगे। बट इसमें अगर आप किसी को टारगेट करते हैं तो आपको चारों तरफ का दिखता है, ऊपर से इनेमी वगैरह का भी सही दिखता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है रेड डॉट लगाने में। तो मैं प्रिफेयर करता हूँ रेड डॉट हमारे लिए। अगर आप लोग रेड डॉट से में कंफर्टेबल ना है, तो आप अपना लेंस चेंज कर सकते हैं। आप जो चीज़ लगाना चाहे आप लगा सकते हैं, तीनों का तीनों बेस्ट साबित होता है। तो चलिए आगे बात करता हूँ। तो आगे देखता हूँ, तो आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि रेड डॉट तो ये लगा चुका हूँ। अब आता है हमारा स्टॉक की बारी। स्टॉक की बारी आता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ इंक्रीज द मूविंग स्पीड वाइल एमिंग। मतलब कि हम लोग को क्या बताने का मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग एम करके अगर दौड़ते हैं, अगर स्कोप को ओपन कर लेते हैं उसके बाद दौड़ते हैं, तो यह हमारा एमिंग स्पीड को इंक्रीज़ करेगा, मतलब बंदे फास्ट दौड़ेंगे स्कोप ओपन होने के बाद भी। सेकेंड नंबर की बात करूँ तो लेज़र लाइट का उपयोग। लेज़र लाइट क्या करता है, इंक्रीज़ द एक्यूरेसी। एक्यूरेसी को इंक्रीज़ करता है, मतलब यह रिकॉइल को थोड़ा सा कम करता है, मतलब बंदूक हिले वगैरह नहीं। और यह लेज़र लाइट का बात हुआ, तो यह लाइट भी निकलता है इससे, जो कि एक लेज़र टाइप की एक लाइट निकलती है, जो कि काफ़ी अच्छा है। बात करूँ क्विक ड्रॉ जो यहाँ पर है, तो इंक्रीज़ एमिंग स्पीड, मतलब कि अगर आप जैसे ही स्कोप अपना आप निकालते हो गन से, तो यह फट से निकल जाएगी, मतलब कि टाइमिंग लेती है स्कोप को क्लिक करने पर, स्कोप ओपन होने में। तो यह अगर आप लगा देते तो स्कोप ओपन होने में सेकेंड में, एक सेकेंड में ओपन हो जाएगी। बात करूँ LMG जो है यहाँ पर FMJ, इसकी कुछ खास नहीं है, कुछ खास नहीं मतलब बहुत ही खास है यह मतलब डैमेज को थोड़ा सा बढ़ा देता है। मतलब कि अगर आप नॉर्मल अगर 10 गोली में अगर बंदा किल हो रहा है, अगर आप इसे लगा देते हैं तो बंदे 5 से 6 गोली में ही किल कर दिए जाएंगे, मतलब कि थोड़ी सी डैमेज बढ़ा दी जाती है अगर यह लगाते हैं तो, काफ़ी अच्छा है। मतलब बुलेट की पावर बढ़ जाती है इसे लगाने से FMJ को। तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं इस गन में, जो कि काफ़ी अच्छा, और मैं तो इसे यूज़ करता ही करता हूँ इस गन की बात करूँ तो। सेकेंड उसके बाद बात करूँ तो प्रेशर की बात करूँ तो यह साउंड को कम करता है, साउंड को कम करता है और साथ ही साथ रेंज को भी कम कर देता है। आप प्रेशर यूज़ ना करें, क्योंकि बकवास है यह प्रेशर, ठीक है, उतना कुछ काम होता नहीं है। साउंड को कम करने से क्या होता है, साउंड कम करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कम होए साउंड होए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, और ऊपर से रेंज भी कम हो जाता है। तो आप इसे यूज़ कभी ना करें तो ठीक नहीं है। बात करूँ फॉरेंज ग्रिप की, तो ग्रिप सबसे अच्छा है, हर एक गन के लिए एक बेस्ट अटैचमेंट ग्रिप है, जो कि हर एक गन में मतलब हेल्प करती है। अगर ग्रिप की बात करूँ तो इसका आप गेम प्ले देख सकते हैं कि ग्रिप अगर लगाने हैं तो यह हमें रिकॉइल कम करता है, और हम लोग अगर किसी को मारते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना हिल रहा है बंदूक विदाउट ग्रिप। यहाँ पर राइट में देख सकते हैं कि कितना हिल रहा है, और ग्रिप लगाने पर एकदम एक पॉइंट पर ही जाकर गोली लगती है, तो एमिंग करने में अच्छी होती है। मतलब कि अगर बंदे को हम लोग किसी को स्कोप भिड़ा के अगर मारते हैं, तो हमारा बंदूक ज़्यादा हिलेगा नहीं, रिकॉयल को साफ कम कर देगा, तो बहुत ही मज़ा आता है। तो आप एक जगह फायर करके मार सकते हैं। आप ग्रिप का तो उपयोग जान गए। ये फास्ट मैगजीन, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, फास्ट मतलब मैगजीन, मतलब रिलोडिंग टाइम को रिड्यूस कर देता है। मतलब कि अगर हम लोग बंदे को किल करके अगर फिर से अगर गन को रिलोड करते हैं हम लोग, तो टाइम थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, बस गन तुरंत, मतलब 3 सेकेंड जहाँ पर रिलोडिंग टाइम लगता है, तो वहाँ पर आपको 1 सेकेंड लगेगा, 1.5 सेकेंड लगेगा रिलोड होने में। उसके बाद बात करूँ एक्सटर्नल मैगजीन, तो ये एक बेस्ट मैगजीन है। मतलब कि अगर आप गन में अगर इसे अटैच करते हैं, तो आपकी मैगजीन रखने की कैपेसिटी को बढ़ा कर रख देगा। जो गन में 50 गोली अट रही है, उसमें 70-80 गोली अक कर देती है, तो काफ़ी अच्छा है। तो बात करूँ फिर से
अटैचमेंट की, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एक रेड डॉट चूज़ कर लिया, एक स्टॉक यहाँ पर देख सकते हैं, मैं स्टॉक को चेंज करके FMJ जो होता है इसे लगा लेता हूँ। स्टॉक का FMJ में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, तो आप FMJ का ही यूज़ किया करें, क्योंकि स्कोप ऑन करके तो दौड़ना उतना पड़ता नहीं है, तो आप FMJ लगाए ताकि थोड़ी सी डैमेज हम लोग को बढ़ जाए और बंदे तुरंत किल हो जाए, तो ये एक अच्छा है। उसके बाद आप लोग को ग्रिप लगाना यह बंदूक में बहुत ज़रूरी है, तो मैं इसका एक बेस्ट अटैचमेंट बता रहा हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्रिप लगे, और लास्ट आप लगा लीजिए एक्सटर्नल मैगजीन। एक्सटर्नल मैगजीन लगाने से क्या होगा कि बंदूक गोली की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, जैसा कि आपने बता दिया हूँ मैं। तो इस वीडियो में आपको दो चीज़ देखने को मिल गई, मैं सारे का पूरा एक कवरअप वीडियो बता दिया कि हर एक का वर्किंग क्या है, और ऊपर से मैंने M4 LMG की एक बेस्ट अटैचमेंट बता दी। तो आप गेम के लिए बहुत ही अच्छा गन हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।